लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि संस्कृति को संजोए रखने के लिए मेले और त्योहारों का मनाया जाना जरूरी है। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के चनावग में जिला स्तरीय मेले के शुभारंभ और 319 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मजराना से हरसिंह धार उठाऊ पेयजल योजना के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने पशु औषधालय का भी लोकार्पण किया। विक्रमादित्य सिंह ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास निरंतर प्रक्रिया है और इसके मद्देनजर सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी चुनावी गारंटियों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करना आरंभ कर दिया है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से भी युवाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे से भी दूर रहने की सलाह दी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे आने वाले समय में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।